नमस्कार, फिर से हम दोबारा आए हैं एक नई वीडियो के साथ मिलेट्स बनाने के लिए। आज माइन हम लोग क्या बना रहे हैं? आज हम लिटिल मिलेट्स की कैरेट पुडिंग्स बनाएंगे और हम एक सैलेड बनाएंगे। हमने आपसे वादा किया था और माइन जी हमारे साथ हैं और ये हमें प्रोमिसेस हैं कि जो अब आने वाले टाइम पे हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाएंगे जो मिलेट्स की रेसिपी के पे होगी। मिलेट्स की जो जितनी रेसिपी होगी कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से हम आपको मिलेट्स की रेसिपी कैसे बनती है और कैसे खाया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा सा हमें इसमें डालेंगे देसी घी, ये गाय की देसी घी है, हमारे घर की है, उसको हम डालेंगे। लिटिल मिलेट्स को जिस पानी के अंदर भिगोया था उस पानी को क्या करेंगे हम पहले इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। पहले अब ये हमने इसमें थोड़ा सा घी डाल के और पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। अब थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद जो है ना हम इसमें ये लिटिल मिलेट्स को डालेंगे, देखते हैं फिर कैसे। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी के अंदर एक बॉयल आ गई है और अब हम इसमें जो है इस लिटिल मिलेट्स को डाल देते हैं। और इसको हम कम से कम जो है 15 से 20 मिनट जो है इसको बनाते हैं। इसमें जो है हम थोड़ा सा साल्ट बेस स्वाद अनुसार जो है नमक को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए, हमारा मिलेट्स जो हमने चावल की तरह बनाया था ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़े देर कर तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक के लिए वेट करते हैं। तो चलिए अब हम मिलेट्स की सैलड बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लेंगे इसमें खीरा, हमने इसमें भीगी हुई मूंग भी रखी है क्योंकि ये हेल्दी होती है, तो जितनी भी हेल्दी चीज़ें होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये है बॉईल किया हुआ राजमा, हम इसमें डालेंगे ब्रोकली, थोड़ा कटा हुआ गाजर, थोड़ा स्वीट कॉर्न और हम इसमें डालेंगे अनार। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटर, फिर हम इसमें मिलाएंगे जो हमने पकाई थी मिलेट्स की चावल की तरह से, अब हम इसे ऐड करेंगे अपने सैलड में। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करेंगे, जितना भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से। और हम इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, पिसा हुआ ब्लैक पेपर वो हम यूज़ करेंगे इसमें हल्का सा। और इसमें हम नींबू ऐड करेंगे, नींबू आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपको खाना हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिलेट्स का सैलेड बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग के लिए हमने एक छोटा सा प्लेट लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे और साथ में कुछ दाने अनार के, जिसके साथ हम अपने मिलेट सैलेड की गार्निशिंग करेंगे। तो हमारा मिलेट सैलेड बनके तैयार हो गया। तो ये है हमारा मिलेट्स का सलाद, ये देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है। और लोगों को ये कहना होता है कि भाई मिलेट्स में हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, तो मैं बताऊँ आपको मिलेट्स में हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आज मैंने बहुत प्यारी सी चीज़ मिलेट्स की सलाद बनाई है और ये उन लोगों के लिए इतनी अच्छी फूड्स हैं जो डायबिटीज़ है, जो बीपी है, जिनको काफ़ी सारी और भी बीमारियां हो गई है, वो सारी बीमारियों के लिए अगर वो सुबह सुबह अगर इस
मिलेट्स के सलाद को यूज़ करता है तो दो चीज़ें होंगी, एक तो उनको फाइबर फूड्स मिलेगा, दूसरा उसको DIP का भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसको लेने के बाद जो है ना जो डायबिटीज़ है BP है काफ़ी अच्छा उनका कंट्रोल रहेगा। तो चलिए अब हम मिलेट्स की कैरेट पुडिंग। सबसे पहले हमने गैस ऑन किया है, गैस ऑन करके अपने हमने बर्तन को गर्म कर लिया है। हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे, हम थोड़ा घी को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें एक छोटा तेजपत्ता और छोटी इलायची डालेंगे। अब हम इसमें हमने ये कद्दूकस किया हुआ गाजर रखा है, हम इसे ऐड करेंगे और हम इस गाजर को थोड़ी देर तक सॉट करेंगे ताकि ये गाजर अच्छी तरह से गल जाए और जब हम मिलेट के साथ इसे पकाएं तो ये अच्छी तरह से मिलेट्स में मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमारा गाजर अच्छे से पक गया है, अच्छे से सॉट हो गया है। अब हम इसमें हमारा मिलेट्स ऐड करेंगे। दूध ऐड करेंगे, लोग यूज करने को पानी भी यूज कर सकते हैं बट हम यहाँ पे और अब हम इसे थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो ये हमारा पक रहा है और अब हम इसमें जागरी ऐड करेंगे। बहुत से लोग इसे गुड़ के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे जागरी के नाम से जानते हैं और कुछ मीठा के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसमें जागरी ऐड करेंगे और फिर हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और गुड़ ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और हम इसे धीमे आंच में पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पके। तो बस हमारी ये पुडिंग बस बनकर तैयार होने वाली है, हम बस थोड़ी देर तक इसे हाई फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे। और ये हमारी पुडिंग बनकर तैयार हो गई है अच्छी तरह से। अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। और अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। हम इसमें थोड़ा खोआ डाल रहे हैं, थोड़ी कटी हुई बादाम और थोड़े कटे हुए काजू। और ये हमारी कैरेट मिलेट पुडिंग बनकर तैयार हो गई। तो आपने देखा कि हमने आज दो रेसिपी बनाया माई के साथ और मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। और दूसरा अगले वीडियो हम फिर लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। और इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मिलेट्स के ऊपर जितनी भी रेसिपी हो हम आपको अच्छे से अच्छी रेसिपी ला करके आपके सामने जो है प्रस्तुत।